प्रिय छात्रों, पार्ट 3 विक्रमादित्य का सिंहासन, इसका अंतिम भाग आज हम देखेंगे। सिंहासन राजा के दरबार में लाया गया। जब राजा ने उस सिंहासन को अपने राजमहल में लाने के लिए कहा, तो राजा के दरबार में जब वह सिंहासन लाया गया और एक उचित स्थान पर रखा गया, एक सही स्थान पर उसे रखा गया, रख दिया गया, परंतु जैसे ही राजा सिंहासन की ओर बढ़ा, जैसे ही राजा उस सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ने लगा, तो सिंहासन के पांव की जगह लगी हुई शेर की मूर्तियां अचानक बोल उठी। जो सिंहासन के दोनों ओर शेर की जो मूर्तियां थीं, वह बोल उठी, बोलने लगी, अर्थात वह कहने लगी, वे बातें करने लगी। तो क्या कहने लगी वे दोनों जो शेर की मूर्तियां थीं, चित्र में आप देख सकते हैं, दो शेर की जो मूर्तियां हैं, वे बोल उठी और कहने लगी, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो? क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो? तुम्हें योग्यता है कि तुम इस सिंहासन पर बैठो? क्या तुम्हें योग्यता है? तुम योग्य हो? तो इस तरह उन दोनों शेरों ने प्रश्न किया, किसे? उस राजा से, जो राजा विक्रमादित्य के पुराने सिंहासन पर बैठने उठकर जा रहा था। तो इस पर तो विक्रमादित्य बैठा करता था। देखिए, आगे दोनों शेर कहने लगे, एरडू सिंहगळु हेळ्ता मक्कळे, आ सिंहासनदल्लि एरडु कडे एरडु सिंहद मुखगळु अदव, चित्रगळु अदव, आ एरडु सिंहगळु मातनाडलु आरंभिस्तव। ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅವು ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾವ, ನೀನು ಈ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಇದೆಯಾ? ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ನಿನಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆಯಾ? ನೀನು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಥರ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾವ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಮಹಾರಾಜ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಿದ್ದ. ಉಸ್ನೆ ಕಭಿ ಕಿಸಿ ರಾಜಾ ಕಾ ಧನ್ ಚಿನ್ನೆ ಕೆಲಿಯೆ ಉಸ್ ಪರ್ ಆಕ್ರಮಣ ನಹಿ ಕಿಯಾ. ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾವ ಸಿಂಹಗಳು ಎರಡು, ನಮ್ಮ ರಾಜ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಏನಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಬಳಿಸಬೇಕಂಥೇಳಿ ಬೇರೆ ರಾಜರ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯುದ್ಧ ಸಾರಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಬಳಿಸಬೇಕು, ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಬೇರೆ ರಾಜರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ವಹ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಿಯ ಥಾ, ಅದಕ್ಕೆ ವಹ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಿಯ ಥಾ, ಉಸೆ ನ್ಯಾಯ ಪಸಂದ ಥಾ, ವಹ ಸಭಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕರ್ತಾ ಥಾ, ವಹ ಅನ್ಯಾಯ ನಹಿ ಕರ್ತಾ ಥಾ ಕಿಸಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಭಿ, ಚಾಹೆ ವಹ ಪ್ರಜಾ ಹೋ, ಚಾಹೆ ಉಸ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ್ ಮೇ ಜೋ ಹೋ, ಚಾಹೆ ಕೋಯಿ ಭಿ ಹೋ, ಸಬ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ವಹ ನ್ಯಾಯ ಹಿ ಕರ್ತಾ ಥಾ. ಕೌನ್ ಬಚ್ಚೋ? ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ. ಕೌನ್ ಕಹ ರಹೇ ಹೈ? ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಕೆ ಸಿಂಹಾಸನ್ ಕೆ ದೋನೋ ಓರ್ ಲಗೆ ಹುವೆ ಶೇರ್. उसका दिल बच्चों की तरह नेक था. देखिए, उसका दिल जो था, राजा विक्रमादित्य का दिल बच्चों की तरह नेक था, साफ था, अच्छा था. तो देखिए, गौलम के लड़कों में वह लड़का नेक है. देखिए, गौलम में जो लड़के खेल रहे थे, जिस लड़के को न्याय देने के लिए या न्याय दिलाने के लिए जिस लड़के को नियुक्त किया गया, उन ग्वालों के लड़कों में वह लड़का जो था, उसका मन बहुत साफ था. क्यों? बच्चों का मन साफ होता है, नेक होता है, तो इसलिए इस पर बैठते ही वह बुद्धिमान हो जाता था. वह ग्वाला का लड़का जो है बुद्धिमान हो जाता था. क्या तुम्हारे अंदर ये सब गुण हैं? क्या तुम्हारे अंदर भी अच्छाई है, नेक गुण है? यह किसने पूछा बच्चों? शेर के, दोनों शेर के मूर्तियों ने पूछा. किससे पूछा? उस राजा से पूछा, उस क्रूर राजा से पूछा. तो आगे देखिए, राजा ने सच बोलना ही ठीक समझा. देखिए, राजा सच बोलना ही ठीक समझा. राजा ने समझ लिया कि विक्रमादित्य का जो सिंहासन है वह सामान्य नहीं है, बल्कि वह एक विशेष है, क्योंकि इस सिंहासन के दोनों शेर बातें करने लगे हैं, मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरा व्यक्तित्व जानना चाहते हैं. तो राजा ने सच बोलना ही ठीक समझा. चलिए मैं सच बता देता हूँ. नोड़ी, राजा विचार माडल आरंभिसिद, ई विक्रमादित्य महाराजन सिंहासन ऐन नन्न अरमने नन्न ओंदु आस्थानदल्लि ऐन इडलागिदल्ल, इदु सामान्यवाद सिंहासन अल्ल, इदर एरडु ಚಿತ್ರ ಇರುವಂಥ ಸಿಂಹದ ಚಿತ್ರ ಇರುವಂಥ ಸಿಂಹಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾವೆ. ಹಾಂ, ಅವು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನಿದೆ, ನೀನು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿಬೇಕು, ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ. ಉಸ್ನೆ ಕಹಾ ನಹಿ ಮೇರೆ ಅಂದರೆ ಏ ಗುಣ ಈ ಹೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನ್ಯಾಯಪ್ರಿಯನೂ ಅಲ್ಲ ನಾನು, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ, ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸಂಪತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಂಡ.
तो उसने कहा नहीं, मेरे अंदर ये गुण नहीं है, मेरे अंदर ये सारे गुण नहीं है, न्यायप्रियता नहीं है, नेक गुण या स्वभाव, नेक स्वभाव, अच्छा स्वभाव नहीं है मेरा। क्षण भर में ही वह सिंहासन आसमान में उड़ गया और आँखों से ओझल हो गया। देखिए, यह सुनते ही, यह शब्दों को, यह वाक्यों को सुनते ही राजा के जो सिंहासन था वह क्षण भर में ही, बहुत जल्द ही क्या हो गया, आसमान में उड़कर क्या हो गया बच्चों, गायब हो गया, ओझल हो गया। ओझल होना अर्थात गायब हो जाना। सभी चकित होकर देखते ही रह गए, चकित अर्थात अचंभित होकर, आश्चर्य होकर। सभी जो राजमहल में जो राजा के साथ बैठे हुए थे, मंत्रीगण हो या सभी लोग हो, अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि जो सिंहासन विक्रमादित्य सिंहासन था वह ऊपर आकाश में उड़कर ओझल हो गया। ओझल होना अर्थात गायब हो जाना बच्चों, वह गायब हो गया। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, आप चित्र में देख सकते हैं जैसे सिंहासन उड़कर आसमान में जा रहा है। तो यह था बच्चों पाठ तीन विक्रमादित्य का सिंहासन। तो चलिए मौखिक प्रश्न देखेंगे। मौखिक प्रश्न, विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे? उज्जैन के राजा थे। विद्वानों के प्रति उनका व्यवहार कैसा था? व्यवहार अर्थात उनका बर्ताव, वो विद्वानों के साथ, पंडितों के साथ किस प्रकार का बर्ताव करते थे? तो वे विद्वानों का बहुत आदर करते थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, उनको रिस्पेक्ट देते थे, उनका सम्मान करते थे बच्चों। तो यह था पाठ तीन विक्रमादित्य का सिंहासन। इसके शब्दार्थ पहले लिखिए, इसके बाद मौखिक प्रश्नोत्तर लिखिए, और लिखित और बाकी सब मैं अगली कक्षा में आपको PDF नोट्स भेजूंगा बच्चों। आराम से लिखिए, अच्छी तरह से, अच्छी लिखावट के साथ लिखकर मेरे पास आप चेक कर ले जाइए बच्चों। अगली कक्षा में मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।